गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन, कल हमने वर्ड्स लिखने का प्रैक्टिस किया था अपनी रफ कॉपी में। आज हम लोग इन्हीं वर्ड्स को लिखेंगे अपनी स्कूल वाली फेयर कॉपी में। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ड्स, WORDS वर्ड्स, कल जैसे मैंने बताया था उसी तरह आप सुंदर से मिडिल में लिख लेंगे, बीच में लिख लेंगे वर्ड्स। वर्ड्स मीन्स शब्द। वर्ड कैसे बनता है, मिस ने बताया था कि लेटर्स को अलग अलग लेटर्स मिलके क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं। जैसे मिस ने बताया था कि ए पी एल ई मिलकर के क्या बनाए थे, एप्पल, है ना। उसी तरह बी और ए और जी मिल गए तो एक वर्ड बन गया, बैग। और वर्ड का वही होता है जिसका कि कोई मीनिंग होता है। तो चलिए एक बार हम लोग फिर से आज स्टार्ट करते हैं कॉपी में। एक बार फिर मिस आपको याद दिलाना चाहती हैं कि आपको लिखना कैसे है। ए, ए फॉर हमने क्या पढ़ा था, एप्पल। कैसे लिखेंगे, फुल सर्कल अप टू डाउन लिटिल टर्न। पी का डंडा ए के बगल से ही हमें लेना है, नीचे जाएंगे हाफ सर्कल, है ना, और हमें सारे लेटर्स को स्मॉल लिखना है। और एल ऊपर से आएगा, है ना, जो नीचे जा रहा है वो नीचे बिल्कुल दिखना चाहिए क्लियरली, और जो ऊपर से आ रहा है वो भी थोड़ा लंबा होगा ताकि क्लियरली नजर आए। और ई, ए डबल पी एल ई एप्पल, देन यू हैव टू टेक वन फिंगर डिस्टेंस। देन क्या था, एंट, ए, अगेन कितना बड़ा लिखना है हमें, जितना बड़ा ए है ठीक इसके बगल से एन। और टी का डंडा हम लोग ऊपर से लेंगे, है ना, छोटा छोटा डंडा नहीं लेंगे, लंबा डंडा लेंगे। नेक्स्ट वर्ड था हमारा एक्स, ए, जितना बड़ा ए है उतना ही बड़ा एक्स, और ठीक इतना ही बड़ा हम लोग ई लिखेंगे, पहले फॉरवर्ड देन हाफ सर्कल ई। अब इसी तरह आप नीचे के लाइंस को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं बी पर। बी, बी फॉर हमने पढ़ा था बॉल। अब बी लिखने के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइन के थोड़ा नीचे से, है ना, ताकि बी का डंडा सुंदर लंबा दिखाई दे। अप टू डाउन, और हमें क्या करना है, नीचे से नहीं, लिटिल अप, देन हाफ सर्कल। अब ये बी का हाफ सर्कल जितना बड़ा है इतना ही बड़ा आपको बनाना है ए, और ये डंडा जितना बड़ा है इतना ही बड़ा आपको लेना है एल। डबल एल, बी ए डबल एल बॉल, देन बाय टेकिंग वन फिंगर डिस्टेंस बी, बी के हाफ सर्कल के बराबर का ही ए। और जी, जी के लिए भी जितना बड़ा ए है उतना ही बड़ा फुल सर्कल, देन डाउन सुंदर से नीचे चले जाना है, एंड देन लिटिल टर्न। नेक्स्ट वर्ड इज बुक। बी, ओ, ओ और स्मॉल के का डंडा लंबा होगा जितना बड़ा हमारा ये बी का डंडा है, ठीक उतनी ही ऊंचाई से। और यहाँ पे स्लैंटिंग अप स्लैंटिंग डाउन, जो ये इसके बराबर में आएगा, है ना, इसके ऊपर नहीं जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सी पर। सी से हमने सीखा था सी फॉर कैट, सी। अब ये सी का हाफ सर्कल जितना बड़ा है इतना ही बड़ा हमें लेना है ए, और टी का डंडा हम लोग ये ब्लू लाइन के नीचे से लाएंगे, टी, सी ए टी कैट। देन नेक्स्ट वर्ड कार, सी ए, आर का डंडा इतना ही बड़ा लेंगे ए के बगल से, देन स्लैंटिंग अप डाउन आर। और क्या था लास्ट हमारा, कैप, सी ए। अब पी के लिए क्या करना है, कैप लिखने के लिए ठीक ए के बगल से हम लोग डंडा ले जाएंगे नीचे, है ना, और फिर हाफ सर्कल। देखिए पी का डंडा मिस एक नीचे ले गई है, आपको भी इसी तरह लेके जाना है, जो लेटर्स नीचे जा रहे हैं उनका डंडा एकदम स्पष्ट लंबा नीचे जाना चाहिए, जो लेटर्स के डंडे ऊपर हैं, जैसे यहाँ पे एल है, है ना, टी है, तो वो भी आपको बिल्कुल ऊपर जाना है, ब्लू लाइन को टच नहीं करेंगे लेकिन आप यहाँ तक लेकर के जाएंगे उसके नीचे तक, ताकि ये क्लियरली दिखाई दे। तो आप एक बार फिर से सुंदर सुंदर अपनी स्कूल वाली कॉपी में सारे वर्ड्स को लिखेंगे और इनको लर्न कर लेंगे स्पेलिंग के साथ।